हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। आज हमारे साथ है ध्रुव कौशिक। हेलो गाइस, ये हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आईएम रोहतक के इंटरव्यू का। तो ध्रुव जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका किस दिन का इंटरव्यू शेड्यूल था और क्या स्लॉट था आपका? मेरा 15 जनवरी को आफ्टरनून स्लॉट था। 15 जनवरी को आफ्टरनून स्लॉट था इनका, ठीक है। तो आपका जो स्लॉट था, इसमें आपकी सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस था, आपने जब ज्वाइन किया वो थोड़ा सा बताइए। तो हमारा जैसे हमें एंटर किया, हमें कोऑर्डिनेटर मिला और हमें सीरियल नंबर अलॉट हुए हमारे। मेरा 15 के ग्रुप में थर्ड लास्ट स्लॉट वो सीरियल नंबर था, तो मुझे करीबन 3.5 घंटे वेट करना पड़ा। तो आपने क्या, और ये टाइमिंग क्या थी आपकी जो आफ्टरनून स्लॉट की थी? मेरे को 1:30 बजे ज्वाइन करना था। तो 1:30 बजे के बाद आपको 3.5 घंटे वेट करना पड़ा। मेरा करीबन 4:30 के करीब मेरा आया था, 4:30-5 बजे के आसपास आपका आया था, ठीक है। तो जब आपको जो भी आपको वेट आपका टाइम ओवर हुआ, तो फिर आपके सामने क्या था, आपको कोई और जूम लिंक ज्वाइन करना था या फिर सेम जूम लिंक? नहीं, हमें ब्रेकआउट रूम में हमें भेज दिया गया था। उसके बाद हमें पैनलिस्ट ने लेट इन किया, तो मेरे पैनलिस्ट में एक मेल एक फीमेल थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। मतलब मेन डॉक्यूमेंट थे 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोई सर्टिफिकेट हो हमारे पास तो वो भी चेक किया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके, हार्ड कॉपी में उन्होंने चेक किए थे या सॉफ्ट कॉपी अलाउड थी? दोनों अलाउड थे, कोई भी आप करा सकते हो। सॉफ्ट कॉपी भी अलाउड थी, मतलब कोई से भी हो, चाहे हार्ड अवेलेबल हो चाहे सॉफ्ट हो, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद क्या था प्रोसेस? तो इसके बाद हमारा एक्सटेम्पर स्टार्ट हुआ। एक्सटेम्पर का मुझे टॉपिक दिया गया, मेरा टॉपिक था क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया स्टैंड ऑन नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो काफी बड़ा टॉपिक था। तो 1 मिनट हमें सोचने के लिए दिया गया और फिर 2 मिनट में बोलना पड़ा हमें। तो 1 मिनट आपने उसके बारे में सोचा और 2 मिनट आपको उन्होंने बोलने के लिए दिया। तो वो एक्यूरेट 2 मिनट दिया था या रफली 2 मिनट? रफली 2 मिनट था। तो उन्होंने पहले रोक दिया था। अच्छा, पसंद नहीं आया उनको इसलिए रोक दिया या ऐसे ही? मतलब वो ये था कि थोड़ा ज्यादा ही खींच रहा था। अच्छा, चलिए। तो ये आपका एक्सटेम्पर जो कम्प्लीट हुआ, इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो ये मतलब जैसे कि मैंने खुद दिया है और दोस्तों से जितना ही पूछा है, तो ये प्योरली अकेडमिक्स और करंट अफेयर बेस्ड ही इंटरव्यू रहा है अभी तक। तो मुझसे मेरी स्ट्रीम पूछी गई, तो मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में की है, तो मुझसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा गया था, जो कि था कि मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके ऊपर ही फिर कनेक्टेड पूछा गया कि वो एलिमेंट कौन सा है, कौन मतलब कौन कौन से एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स नहीं, नहीं, कितने एलिमेंट होते हैं। तो वो उसका आंसर था 118 था, तो 118वां कौन सा एलिमेंट है? अच्छा, लास्ट वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपने इनका जवाब दिया, फिर आपके पास अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर इनके रिएक्शन से क्या बनता है। तो इससे कनेक्टेड कनेक्टेड फिर करते करते फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आपसे पूछा गया और ये उसके फ्रक्टोज, तो ये उन्होंने लिखवाया भी था या सिर्फ बस ऐसे ही पूछा था? पूछा था, फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था वो लिखवाया गया था, और फिर उससे काउंटर क्वेश्चन हुए थे कि ये क्या है ये क्या है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का जो था प्रोसेस वो लिखवाया गया था, वो प्रॉपर रिएक्शन लिखवाया गया था। जहां तक मुझे याद आ रहा, फोटोसिंथेसिस का जो क्वेश्चन था मेरे से लास्ट ईयर पूछा था रोहतक ने। लास्ट ईयर उन्होंने लिखने को दिया था पूरी की रिएक्शन, आप मुझे लिख के बताइए। रिएक्शन ही लिखने को दी थी, फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन हुआ था कि जैसे मैंने कुछ लेबल नहीं किया था कि जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो मैंने जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको मैंने लेबल नहीं किया था कि ये क्या है, वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो पर मैंने लेबल नहीं किया था, तो वो होता असल में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपने लेबल करना भूल गए। तो ये उन्होंने टोका था या उन्होंने बोला कि आप सारी लेबलिंग करो? नहीं, उन्होंने टोका था कि ग्लूकोज कैसे बन सकता है इसमें। अच्छा, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया उसके ऊपर, क्रॉस क्वेश्चन किया और उन्होंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा टेंस कर दें, ठीक है। तो ये आपका ये खत्म हुआ, ये ग्लूकोज और ये फोटोसिंथेसिस। इसके बाद क्या पूछा? इसके बाद फिर हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो गया था। करंट अफेयर में पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, हरियाणा का गवर्नर कौन है। तो फिर जैसे मेरी हॉबी मैंने बताया था कि मैं बुक्स रीड करता हूँ, तो उसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन उठेगी, बुक्स के नाम पूछे गए मुझसे कि इसका ऑथर कौन है। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मुझसे पूछा गया था कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का ऑथर कौन है। अच्छा, तो ये जो एक्सपेरिमेंट ट्रूथ जो बुक का नाम आया, ये कहीं हॉबी में मेंशन किया था आपने या रैंडम उन्होंने बस ऐसी ले दी? नहीं, बहुत ही रैंडम पूछ लिया था मुझसे। तो इसका मुझे पता था कि ये महात्मा गांधी ने लिखी है। तो इसके बाद पूछी गई थी द ग्रेट गैट्सबी का राइटर कौन है, तो वो मुझे नहीं पता था। मैंने बुक्स का कलेक्शन तो बहुत सारा होता है, कुछ भी पूछ सकते थे वो उन्होंने रैंडमली पूछ लिया कि मतलब देखने के लिए कि आता है नहीं आता या नहीं है, बुक्स पढ़ी भी नहीं है या पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर तो मना ही करना पड़ता कि ये नहीं पढ़ी है और पढ़ी है हमने। अच्छा, तो इसके बाद आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया? पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड, पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, हरियाणा का गवर्नर कौन है। तो फिर उससे बाद में पूछा गया, फर्दर क्वेश्चनिंग हुई कि वाइस प्रेसिडेंट पहले कहाँ पोस्टेड थे, किस पोजीशन पे पोस्टेड थे,
गवर्नर ये आपने जवाब दे दी थे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट तो शायद मेरे ख्याल से गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। हाँ तो मुझे हरियाणा के गवर्नर का नहीं पता था तो उनका पता था मुझे। वाइस प्रेसिडेंट बहुत कॉमन है नॉर्मली मेरे ख्याल से पता ही होता सबको उनकी पोस्टिंग। तो गवर्नर का नाम पता था पर ये नहीं पता था कि कहाँ पोस्टेड है पहले। तो ये बस दो सवाल थे करंट अफेयर से, इसके बाद आपका इंटरव्यू, इसके बाद हॉबीज से रिलेटेड पूछा गया। इसके बाद हॉबीज से पहले पूछे गए थे करंट अफेयर। हाँ इससे पहले करंट अफेयर फिर हॉबीज पे आए थे वो। तो मैंने हॉबीज लिखा था कि मैं बुक्स रीड करता हूँ, तो उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि आपने एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बारे में बताओ आप किसने लिखी है। तो फिर उसके बाद द ग्रेट गैट्सबी किसने लिखी है, तो उसका पता था मुझे एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का, तो दूसरे का नहीं पता तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये जो सारा पूरा आपका जो इंटरव्यू हो गया था पूरा कंप्लीट, तो क्या लग रहा था पैनल इसकी शक्ल देख के, आप मतलब फेस देख के कुछ लग रहा था कि अच्छा गया है उनका, कि स्माइलिंग फेस था या एकदम फ्रस्ट्रेटेड फेस था? नहीं नहीं नहीं, काफी अच्छे पैनलिस्ट थे और काफी अच्छे मतलब खुश लग रहे थे देख के। खुश लग रहे थे देख के। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग मैंने मतलब ठीक ढंग से दे दी थी, एकेडमी से दे दी थी, तो करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे ये अपने, जैसे मुझे प्रीवियस पूछा गया था कि कहाँ थे वो, तो वो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था तो मैंने बता दिया था। तो ये जो आपका पूरा खत्म हो गया, मेरे ख्याल से आप 5 बजे, 4:30-5 बजे के आसपास आपकी एंट्री हुई पैनलिस्ट के सामने और आधे घंटे में सब खत्म हो गया, 5:50 तक आप आउट। 4:30 एंट्री के बाद 5:50-10 तक मैं आउट, 5:50-10 तक आउट। ठीक है तो गाइज ये था हमारा रिव्यू आई एम रोहतक के इंटरव्यू का, जो कि इनका किस डेट को था, 15 जनवरी को जो था उसका ये रिव्यू था। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए गाइज हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।